हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथ। आप देख रहे हैं वीडियो विद्या सीरीज फॉर वेडिंग वीडियो एडिटिंग। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे ऑफलाइन क्लिप को EDS प्रोजेक्ट में किस प्रकार रीलिंक किया जाता है। हम लोग थे ऑफलाइन पे, तो ऑफलाइन क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर बिन में जो फाइल इंपोर्ट करते हैं वो किसी लोकेशन से इंपोर्ट करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में कहीं पर सेव होती है उसको ले जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब किसी प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं, तो होता क्या, जिस लोकेशन से आप उस फाइल को इंपोर्ट किए थे पिछली बार, वो लोकेशन पर वो फाइल उपलब्ध नहीं है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हो, जो फोल्डर रखा था उस फोल्डर को आपने डिलीट कर दिया हो, या उस फोल्डर का आपने नाम चेंज कर दिया हो, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये फुटेज जो है ना आपको ऑफलाइन शो करता है। होता है क्या, फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको आपने लॉक करके रखा हुआ है, नहीं ऑफलाइन आ रहा ना, या यहाँ इनको सेलेक्ट करेंगे, फाइल हम जाएंगे ना, यहाँ पर आता है रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप, क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर आपको ओपन क्लिप रिस्टोरेशन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये लोकेशन आ जाएगा कि आप कैसे करेंगे। अब यहां पर क्या है, इनको सबको सेलेक्ट कीजिए, ये फाइलों की लिस्ट है जिनको आपको कनेक्ट करना है। तो हम यहां पर जाते हैं, यहां पर आगे आता है एक ऑप्शन, देखिए यहां पर आता है रिस्टोरेशन, हम यहां किसी बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आता है रीलिंक फोल्डर, फोल्डर पर क्लिक करिए। अब आप यहां पर चूज करेंगे जहां पर आपकी फुटेज है, माई बुक में कहां पर है, रॉ वीडियो, इसमें एकता वाला है, कौन सा नहीं है, ये वाला यमुना विहार, इस फोल्डर को आप चूज कर लिए जिस फोल्डर में आपने किया है, ओके करिए और आप उसको ओके कर दीजिए। ये धीरे धीरे प्रोसेस होगा, सारी फाइलें आपकी रिकनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यदि इन फ्यूचर कभी कोई फाइल आपकी मिसप्लेस होती तो उसको आप रिकनेक्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रिकनेक्ट ऑप्शन, रिस्टोरेशन या रिकनेक्ट। आप देख रहे हैं मंत्रा ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।